नमो आदेश जय माता दी। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। माँ की असीम कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। सभी बच्चों का यही प्रश्न रहता है कि दरबार कब लगता है, किस दिन को लगता है, कहाँ पर लगता है, क्या समय है, और दरबार आने से पहले हमें क्या करना है और कैसे हमें दरबार में आना है। आज उसी विषय में आप सभी से बात करने के लिए आया हूँ। वैसे तो इस पे मैंने वीडियो दो तीन डाल रखी है चैनल पर, लेकिन फिर भी बार बार बच्चों के बोलने के पश्चात मैं दोबारा से वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा दरबार दो जगह लगता है। एक तो हमारा नई दिल्ली में दरबार लगता है, दूसरा हमारा लगता है लोनी, जिसकी डिस्ट्रिक्ट गाजीबाद है। दोनों जगह अलग अलग दिन लगता है। जो बृहस्पतिवार के दिन हमारा दरबार लगता है वो RK पुरम सेक्टर 7 माँ मनसा देवी मंदिर के अंदर लगता है, नियर CRPF कैंप, और संडे मार्केट यहाँ पर लगती है। और दूसरा दरबार जो हमारा लगता है वो लोनी में लगता है, रविवार के दिन। वहाँ उसके नियरेस्ट जो लोकेशन है, आपको पास पड़ेगा वहाँ पर ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, उसके पास से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें माँ काली गोरखनाथ चौकी जाना है। वो आपको दरबार पर छोड़ देंगे, आपको बता देंगे। जिस दिन आप दरबार के दिन जाओगे तो उस दिन आपको वहाँ लोग जाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। और जब हम दरबार में आए तो हम कैसे आए, हम दूर से आ रहे हैं तो हम कैसे आए। सबसे पहले हमें दरबार के लिए अरदास लगानी पड़ती है, क्योंकि अब माँ से कुछ भी पूछना है या माँ को सबसे पहले हम आमंत्रण देते हैं अपने घर में कि माँ आप आइए, और जो हमारे घर में नेगेटिव चीज़ है या जो करा कराया या कुछ भी कोई बाधा है घर में, उसको आप हर लीजिए और उसका संदेश आप दरबार तक पहुंचा दीजिए। तो उसकी विधि है, 2.25 मीटर आप लाल कपड़ा लेंगे, 2.25 मुट्ठी आप चावल लेंगे, एक आप सिंदूर का पैकेट लेंगे, दो लौंग लेंगे, ठीक है, और दो कपूर की टिक्की लेंगे, और अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें आप 11 या 21 या 5 या 1 रुपया या 2 रुपये, अपने सामर्थ्य अनुसार आप उसमें दक्षिणा रख सकते हैं। और उसमें आप अपने अरदास लगाएंगे, जिस मन्नत हेतु आप दरबार में आ रहे हैं, जिस कार्य हेतु, अपने घर हेतु, कारोबार हेतु, जिस भी कार्य हेतु आप दरबार में आ रहे हैं, वो आप उसमें अरदास बोल देंगे। दरबार में एक दिन आने से पहले आप घर से तेल की बोतल लेंगे, तिलों के तेल की, बाहर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। उसको आप ढक्कन खोलेंगे और आप अपने आप सारे घर से वारेंगे, उसको वॉशरूम से छोड़कर, मंदिर में मंदिर को छोड़कर आप उसको सारे घर से वारेंगे, ठीक है। वॉशरूम में नहीं वारना है आपको, ना ही आपको मंदिर में वारना है, क्योंकि मंदिर में पॉजिटिविटी होती है तो चीज़ें नहीं आती। तो उससे अलग आप पूरे घर में वार लेंगे सील खोल के उसकी। उसके बाद आप उसको घर के किसी भी बाहर आसपास उसका ढक्कन लगा के आप रख सकते हैं, और उसको नेक्स्ट डे ही आपको उसको दरबार में लेकर आना होगा। अरदास आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, सुबह 12 बजे से पहले पहले, कोई भी दिन हो आप कभी भी अरदास लगा सकते हैं सुबह 12 बजे से पहले पहले। उसका निर्धारित समय कोई नहीं है, दिन कोई नहीं है, कभी भी आप लगा सकते हैं उसको, ठीक है। अरदास लगा के और तिलों का तेल लेके ही आपको दरबार में आना है। दोनों दरबार का मैंने आपको एड्रेस बता दिया। अब समय की बात आई कि समय किस समय दरबार लगता है। समय बेटा 12 या 1 बजे के पश्चात हम बैठते हैं, 1 बजे बैठते हैं गद्दी पर। उसके पश्चात जब तक संगत चलती है, जब तक पूर्ण संगत का नंबर नहीं आता, उनकी पूछा नहीं होती, तब तक हम गद्दी से नहीं उठते हैं। दूसरी बात कि नंबर कैसे लगेगा, नंबर आपको दरबार में आकर ही लगवाना पड़ेगा, ना कि आपको फोन कॉल से लगेगा, किसी भी चीज़ से, ना किसी माध्यम से लगेगा। आपको दरबार में आना होगा और अपना नंबर लिखवाना होगा, ठीक है। और आपका सामर्थ्य है, आप भोग प्रसाद माँ भगवती के लिए जो भी लेके आ रहे हो उसका भोग लगा के आप सभी संगत के बीच में उसको वितरित कर दिया जाता है। तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी है, अरदास की विधि कैसे आपको आना है, आपको एड्रेस मैंने आपको बता दिया, दिन मैंने आपको बता दिया, समय मैंने आपको बता दिया। तो आशा है सभी माँ भगवती के चरणों में लगे रहेंगे। नमो आदेश।